हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कैवे नायक ऑफिशियल आज हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के मेकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो कि थर्ड सेमेस्टर में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे फेवरेबल इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देन सॉल्यूट्स गेट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट दिस डिजॉल्विंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स फ्री एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक्चुअली क्या होता है जब एक सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच एक फेवरेबल इंटरेक्शन होता है फेवरेबल इंटरेक्शन मीन्स उनका फ्री एनर्जी का एक्सचेंज होना देन एक सल्यूलाइजेशन प्रोसेस हो सकता है जो कि सॉल्वेंट आके सॉल्यूट आके सॉल्वेंट में ऐड होगा इट इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स इन दिस मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप से डिटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बॉक फॉर्म ये एक सॉल्यूट बॉक फॉर्म है वो इससे डिटैच हो गया फॉर एग्जाम्पल हम सॉल्यूट बॉक को बक को एक गाय से कंपेयर करेंगे तो क्या है इस गाय इस पर्सन के बहुत सारे अफेयर्स चल रहे हैं तो बहुत सारे अफेयर्स चल रहे हैं फिर तो न्यू रिलेशन नहीं बनेगा फिर क्या होगा उन्हें इन चक्करों से निकलना पड़ेगा यह था बहुत सारे चक्कर और वो लड़का निकल गया वहाँ से दिस प्रोसेस इज एंथेल्फिकली अनफेवरेबल बट एंट्रोफिकली फेवरेबल एंथेल्फी मीन्स फ्री एनर्जी रिलेटेड and entropy means uh, the degree of disorderness then uh, aate second formation of vacant site in solvent ye ek solvent tha jisme bilkul bhi vacant site nahi tha aur solvent with ye hai solvent with vacant site जैसे हम कंपेयर किए थे सॉल्यूट वॉक को एक गाय और लड़के के साथ जैसे सलबेंट को कंपेयर करेंगे एक ब्यूटीफुल गर्ल के साथ जिसके अंदर कोई भी खाली जगह नहीं है उसके दिल में बट उसको बनाना पड़ेगा अगर न्यू रिलेशन में आना है तो तो फिर क्या करेगा वो जो दिल में उस दिल में को उसका खाली करना पड़ेगा ऐसे वो एक बॉइड क्रिएट किया एक फ्री स्पेस क्रिएट किया जिससे कि सॉल्यूट मॉलिकल्स आके उसमें बैठ सकते हैं ये है फ्री स्पेस एंड ये है सॉल्वेंट विथ वैकेंट साइड इट इज़ एंथलिफिकली एज़ वेल एज एंट्रोपिकली फेवरेबल पॉइंट थ्री द इंसर्शन ऑफ डिटेच सोल्यूट इन टू द वैकेंट साइट ऑफ सॉल्वेंट जो वैकेंट साइट एक क्रिएट हुआ था सॉल्बेंट में उससे आके सॉल्यूट मॉलिकल्स जुड़ जाएगा जैसे ये एक लड़की था जिसमें दिल में एक खाली जगह क्रिएट हुआ था और वो जो लड़का अपने अफेयर्स को छोड़ के आया था वो आके उसके दिल में फिट हो गया दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके एंड इट इज एंट्रोपिकली फेवरेबल देन आते हैं रीजन क्या है उसका रीजन मतलब पोलर नॉन पोलर सेमी पोलर में क्या क्या होता है देखते हैं पोलर सल्वेंट। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक रिड्यूस दट्रैक्शन इंक्रीज सोल्यूबिलिटी तो यह एक रीजन हुआ कि पोलर सल्बेन में ज्यादा क्यों होता है सोल्यबेशन एबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग कोवल एंड बॉन्ड एग्जाम्पल सी एस डबलओ एच प्लस एनओ एच A c double plus H2O. Then formation of hydrogen bond also occurs in a then nonpolar solvents. Nonpolar solvents only dissolves non-polar solutes. That's the point. And third is semi-polar solvent. They act as an intermediate solvent between polar and non-polar. They are also induce some, some dipole moment which helps in solubilization. सम सल्यूट्स। इस तीनों से एक कंक्लूजन आया कि सल्यूट सल्वेंट सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सल्यूबिलिटी। सल्यूट सल्वेंट इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा सल्यूबिलिटी इतना जा, उतना ज्यादा होगा एंड आज के लिए इतना ही अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो